योगी सरकार ने पेश की 8वां बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश की यूपी की आम बजट। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को समर्पित है, यह डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। प्रदेश के विकास के लिए लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए के बजट को 2024-25 के लिए बजट पेश की गई है। वहीं योगी सरकार के मेगा बजट पे क्या बोले काशीवासी, सुनिए। नमस्कार, जयदेश न्यूज से अभिषेक दुबे। राजभवन बजट आज पेश हुआ है, जिसमें बनारस के लोगों को एक बड़ी उत्साह थी, एक आसार लगा के बैठे थे कि इस बजट में कुछ खास बनारस के लिए मिलेगा, लेकिन मिला भी है। आइए, हमारे संग कुछ उद्यमी लोग हैं जो बताएंगे कि इस बजट में उनको क्या बेनिफिट मिला है और क्या एक आसरा लगा के बैठे थे। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं राजेश भाटिया, अध्यक्ष हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन। इस बजट से क्या उम्मीद लगा के बैठे? बजट से तो हमेशा ही उम्मीद रहती है और एमएसएमई सेक्टर को कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रहती हैं, लेकिन निसंदेह बजट जैसा लग रहा था कि चुनाव है, चुनावी बजट होगा, तो इस बजट में पूरी तरह से केंद्रीय बजट की छाप है। वो भी चुनावी बजट नहीं था, ये भी चुनावी बजट नहीं है। जिस तरह सरकार हर वर्ष बजट पेश करती है, मोर आर लेस वही है। पैसे का बंटवारा इक्वली पूरे प्रदेश में किया गया है। 24,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया, ये एक अच्छा है। कहीं ना कहीं इसका लाभ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमएसएमई सेक्टर को मिलता है। छोटे व्यापारियों को इसमें कितना राहत मिला है? नहीं, छोटे व्यापारी छोटे उद्यमी की बात नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसका लाभ बड़ा हो छोटा हो सबको समान रूप से मिलता है। लॉजिस्टिक पार्क बनाने की इसमें बजट में प्राविधान किया गया, उसके लिए बजट पैसा रखा गया, वो एक अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें आप देखें, पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए 575 करोड़ रुपये का एक बजट दिया गया। ठीक है, लगता है बहुत छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक हो गया ना कि उस काम के लिए वो बजट है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के बजट अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहती है एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, सबसे आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसके लिए इस बजट में प्रोविज़न अच्छा किया गया है, इसलिए हम इसकी वेलकम करते हैं बजट का। पारिक जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये बजट देख रहे हैं? देखिए, बजट का जो मेन उद्देश्य उन्होंने किया है कि बजट की राह इन्होंने निकाली है कि हम जो है धर्मार्थ कार्य से निकालेंगे, इसलिए इन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए विशेष पैकेजेस दिए हैं, जिससे कि इनका ये इन रूट है कि धर्मार्थ से जो है पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन से जीडीपी बढ़ेगी, तो उस पर इनका फोकस है। और जैसा कि लखनऊ में 1500 एकड़ में जो है एयरोसिटी बनेगी, जिसका मकसद ये होगा कि पर्यटक जो है वो लखनऊ को केंद्र मान के आएंगे और वाराणसी, प्रयागराज और जो है अयोध्या घूमेंगे। साथ में वाराणसी को और जो है अयोध्या को 16 सिटी ग्रुप में भी इनको विकसित करने का प्लान है, और मॉडल सिटी के रूप में पहला सिटी है बनारस, जिसको कि सोलर के रूप में इन लोग ऊर्जाकृत कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है, जिससे कि सोलर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रोजगार के सृजन अवसर सृजित होंगे। क्या कहेंगे आपको किस नज़र से बजट? मैं अनुपम देवा, डिविजनल चेयरमैन IIA वाराणसी। और देखिए, डिटेल्स तो अभी कल तक पढ़ पाऊंगा, लेकिन ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फोकस है, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फोकस है, ये अच्छी चीज़ें हैं। धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए तो क्या सोलर से बिजली की वाकई बचत हो पाएगी? नहीं, सोलर मैं लगाया हूँ खुद भी जो है, मैं उससे बिजली की जो है बचत है। बचत है, हाँ, पिछले 4 साल से मैं सोलर लगाया हूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बजट जो एक बेटर बजट के रूप में शामिल हो रहा है? नहीं, बेहतर बजट है, बेहतर है। क्या कहेंगे आप? मैं प्रशांत अग्रवाल, डिविजनल चेयरमैन मिर्जापुर एवं आजमगढ़ IIA। बजट निसंदेह अच्छा है, क्योंकि आधारभूत जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, उससे चतुर्दिक विकास है। साथ में श्री राम की कृपा हुई है, अयोध्या का डेवलपमेंट काशी और चित्रकूट ट्रेंगुलर से जब पर्यटक आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, बट नेचुरल है कि उद्यम और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। इस बजट से रोजगार को और कितना बेनिफिट? यही रोजगार है भैया, भगवान की कृपा है, राम की कृपा है। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा, यात्री आएंगे, तो आदान प्रदान होगा, तो मतलब एक रोजगार, तो व्यापार बढ़ेगा। कोई भूखे भूखा पेट तो रहेगा नहीं साहब, विनिमय होगा तो व्यापार बढ़ेगा।
हमारे संग और कुछ व्यापारी लोग हैं जो बताएंगे कि वाकई इस बजट में जो उम्मीद लगा के बैठे थे उसमें कितना कारगर साबित हो रहा है। अपना पूरा परिचय बता दें। एलएन झा, मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ट्रांसफार्मर का, और बजट को हमने अपनी पूरा डिटेल नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जो भी समझ में आया है, जो भी बातों से पता लगा है, बजट अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी राहत मिलेगी। इसमें 24 के चुनाव की भी कुछ गंध नज़र आ रही है क्या? नहीं, इस तरह ही कुछ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट थी उसी तरह ये भी बजट जो है, इस पर कोई आने वाले लोकसभा इलेक्शन का कोई खास इस पर असर नहीं पड़ेगा। सही में इस बजट के बाद क्या लोकसभा चुनाव का इस पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा? मतलब एक देखा जाए तो एक नॉर्मल बजट के रूप में देखें। नहीं, एकदम नॉर्मल फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट है। इनका फिस्कल डेफिसिट भी इन लोगों ने कंट्रोल में ही रखा है, 3 समथिंग है फिस्कल डेफिसिट, और ये इस बार सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का इतिहास में, सबसे बड़ा बजट 7,36,000 करोड़ का कुछ बजट है। तो उसमें मेनली इन्होंने मंदिर इकोनॉमी को साधा है, जिससे कि छोटे रोजगार, छोटे जो मामूल छोटी दुकानें रेड़ी पटरी वाले, उन लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और उससे फिर ऊपर सबको बेनिफिट मिलना है। ये एकदम नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहे हैं मंदिर इकोनॉमी में, तो उम्मीद करते हैं राम जी की कृपा रहेगी तो सब अच्छा होगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से भैया ने बताया कि राम जी की कृपा इस बजट पर। भैया, राम जी कृपा तो है ही है, लेकिन ये जो बजट बना हुआ है या अगले चुनाव जो होने वाला है, सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किया हुआ है उस आधार पर जनता वोट करेगी। और ये जो बजट है सिर्फ शहरों के विकास के लिए नहीं है, ये गांव के विकास के लिए है। जो कॉटेज इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री है, उनको भी जोड़ा उसमें है, इसमें करके है। अब बजट मतलब लोक लुभावन चीज़ें नहीं हो गई हैं, जनता भी समझदार हुई है, जनता पढ़े लिखी हुई है, जनता इसमें चीज़ नहीं आनी चाहिए कि लालच में आकर के चीज़ें बजट में अनड्यू चीज़ें मिले, लालच में आए, ऐसा नहीं है।